हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राहुल फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ एंड टुडेज टॉपिक इज कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर इकोनॉमिक्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो स्टार्ट करते हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ये बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दो अप्रोच हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, और ये देखा जाता है इसमें कि किस बेसिस पे हम यूटिलिटी को मेजर्ड कर सकते हैं बाय ऑर्डिनल और कार्डिनल बेसिस पे। तो यहाँ पे दो थ्योरीज हैं और दो अप्रोचेस हैं आपके सामने, एक है कार्डिनल एंड दूसरी है ऑर्डिनल। तो कार्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी अप्रोच है ये जो फर्स्ट आई है, और इसमें देखा गया है कि कैसे यूटिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं। यूटिलिटीज को मेजर्ड करने के लिए प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने आपकी कार्डिनल अप्रोच को, जिसमें ये बताया गया है कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को देखने के लिए, मापने के लिए हम कार्डिनल अप्रोच का सहारा लेते हैं, और ऐसा अकॉर्डिंग टू मार्शल इसको हम यूटिल्स में मेजर्ड कर सकते हैं, यूटिल्स के रूप में। और इस रेफरेंस में जैसे कि मनी मेजर्ड बाय मनी से मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल, कि कितना आप जब कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई कमोडिटी यूज करते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या पे करते हैं, और उस पे के बिहाव पे उसके यूटिल्स निकाले जाते हैं, और उस यूटिल के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि किस आपको प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी गेन हुई है। अकॉर्डिंग टू मार्शल ये मेजर्ड बाय मनी किया जा सकता है, और ये अप्रोच आपकी कार्डिनल अप्रोच कहलाती है। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स देयर आर टू मेन थ्योरीज। एक फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सेकंड है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसमें आप अकॉर्डिंग टू मार्शल ये आप चेक करते हैं कि जब भी किसी प्रोडक्ट को, जब भी किसी कमोडिटी और गुड्स को वन बाय वन एट द टाइम साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पे, यानी टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जब हम गेन करते चले जाते हैं तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से हमें गेन होने वाली यूटिलिटी डिमिनिसेस होती है, घटती हुई होती है, और इसको मनी से मेजर करते हैं कि हम पर यूनिट कितना पेमेंट करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल ये मेजर किया जा सकता है, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम है, प्रत्येक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजप्शन से एट दैट टाइम प्राप्त होने वाली यूटिलिटी होती है वो ऑलवेज ही घटते हुए क्रम में होती है, और दैट इज यूनिवर्सल फैक्ट। आप कहीं पर भी होंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं एज ए सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा, कि जब आप कहीं पर भी कुछ एक यूनिट्स को कॉन्टिन्यू यूज करना चालू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फूड को ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट यूनिट ब्रेड आप यूज करते हैं तो उसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आफ्टर दैट सेकेंड आप ब्रेड को यूज करते हैं, इनटेक करते हैं, तो फर्स्ट से सेकेंड में यूनिट में थोड़ा सा आपको यूटिलिटी कम गेन होती है, और फिर धीमे 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 ये यूटिलिटी आपकी घटती हुई डिमिनिसिस हो जाती है। तो दैट इज डिमिनिसिस मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको ही गोसेन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। गोसेन का फर्स्ट लॉ भी इसी को कहते हैं, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये सब कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत है, ये अंडर द कार्डिनल अप्रोच इसकी आप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो इसका अकॉर्डिंग टू मार्शल एंड कार्डिनल के अंतर्गत जो अगला आपका जो थ्योरी है वो है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, कि इसमें एक रैशनल बिहेवियर देखा जाता है किसी भी कंज्यूमर का, कि कैसे वो अपनी एक लिमिटेड इनकम को इस प्रकार से स्प्रेड करता है, इस प्रकार से वो स्पेंड करता है कि एट दैट टाइम उसको सभी कमोडिटीज और गुड्स पे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, दैट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सम सीमांत उपयोगिता। जब कोई कंज्यूमर ऐसी रैशनलिटी रखता है, ऐसा अपना विवेक से स्पेंड करता है चीजों को, अपनी मनी को, कि वो एक दो और तीन सभी कमोडिटीज पे इस प्रकार से स्पेंड करे कि अल्टीमेटली उसे जो आपको यूटिलिटी गेन होती है वो इक्वल हो, दैट इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कार्डिनल अप्रोच थी आपकी,
जिसमें मार्शल कहते हैं कि मनी से मेजर्ड कर सकते हैं हम और यूटिलिटीज को हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमें किसी प्रोडक्ट से, किसी वस्तु से, किसी सेवा से हमें कितनी यूटिलिटी गेन हो रही है। और ये यूटिलिटी को जो मेजर्ड करते हैं वो करते हैं यूटिल्स में। और यहाँ पे एक स्पेशल ये चीज है, आप जो ध्यान रखेंगे, एक नोट है आपका कि कैसे यहाँ पर जो मनी की यूटिलिटी है, मनी की जो 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 करेंसी होती है, मनी होती है, इसकी जो आपके यूनिट्स हैं वो फ्लैक्चुएट नहीं करती हैं, मतलब उनकी वैल्यूज सेम एज रहती है, वो फ्लैक्चुएट नहीं करती है। इस चीज को आप देख रहे हैं, वो कांस्टेंट माना गया है उसको, उसमें वेरिएशन नहीं रखा गया है। और देन इसके बाद बढ़ते हैं कार्डिनल की तरफ, ऑर्डिनल की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच आपका स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल अप्रोच जिसे क्रमागत नियम कहा जाता है, दृष्टिकोण कहा जाता है। चूंकि आपको भी ये जानना चाहिए कि जब यूटिलिटी सेक्रीफाइस ऐसी पेन ऐसी चीजें होती हैं वो साइकोलॉजिकल होती हैं। मार्शल ने इसको मेजर्ड की माना है कि मेजर्ड की जा सकता है, पर कोई भी ऐसी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं कि मुझे कितना पेन हो रहा है, मुझे कितना सेक्रीफाइस फील हो रहा है, हम उसको एज ए क्वांटिटी नहीं बता सकते कि मुझे 100 रुपए के बराबर पेन हो रहा है, मुझे 200 रुपए के बराबर पेन हो रहा है, या मुझे इस चीज को खाने से मुझे 100 रुपए के बराबर यूटिलिटी उपयोगिता मिली है, ऐसा आप नहीं कह सकते। इस बात को लेके अपोज किया है आपके आगे जो ऑर्डर अप्रोच है उसमें। और एलन और हिक्स ने इस अप्रोच को आगे उपयोगिता को मापने के लिए, यानी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कहा है कि यूटिलिटी मेजर नहीं की जा सकती है अकॉर्डिंग टू कार्डन अप्रोच। इसलिए ऑर्डर हम ये बता सकते हैं किसी चीज को कि मुझे इन दो प्रोडक्ट्स में से, मुझे इन दो कमोडिटीज में से किससे ज्यादा यूटिलिटी मिली है, ये तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, बट ये बताना पॉसिबल नहीं है कि हाउ मच, कि कितना, ये बताना आपको यहां प्रॉब्लम है। इसी बात को अपोज कर किया, क्रिटिसाइज किया एलन हिक्स ने, और एक ऑर्डरल थ्योरी आपका अप्रोच है जो कि हिक्स और एलन ने आगे जाके इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के रूप में दिया है। तो ऑर्डर अप्रोच क्या कहता है हमारा, ऑर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि हम किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को, यूटिलिटी को हम क्रम के पे रख सकते हैं, रोमन नंबर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम क्रम पे रख के बता सकते हैं कि मुझे किस चीज से ज्यादा उपयोगिता मिली, किस चीज से ज्यादा यूटिलिटी मिली और किस चीज से कम, ना कि हम उसको हाउ मच बचा सकते हैं कि मुझे 100 रुपए के बराबर, 200 रुपए के बराबर, चूंकि सेक्रीफाइस हो, पेन हो या फिर प्राप्त होने वाली उपयोगिता हो, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये एक मेंटल इफेक्ट है, और इसका असेसमेंट हम ऑर्डर बेसिस पे कर सकते हैं ना कि कार्डिनल बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स ये अप्रोचेस मैंने दो आपको बताई हैं, और इसका नेक्स्ट वर्जन जो आपका इंडिफरेंस कर्व के रूप में है, ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में रखूंगा। ओके, थैंक यू।